हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में एक आपकी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो उसको हम इस वीडियो में जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपने यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं दो पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ये देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाई दे रही है। अब देखो, जैसे मैंने खुद अभी ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोला, तो इसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, इस पिक्चर में दो चार्जेज आपको लाइक चार्ज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अनलाइक चार्ज हैं, तो एक अलग तरह का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये सब आप पढ़ते ही हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो चलिए अब इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या कुछ होता है। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी का अगर मैं बोलूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रीजन है, मेरे पास मान लीजिए ये रीजन है और इस रीजन में मेरे को बताना है कि यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस रीजन के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इसको कैसे शो कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख तो सकते नहीं। तो इस रीजन के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, तो हाउ आई कैन शो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो उसको शो करने के लिए मैं कोई ग्राफिकल मेथड यूज़ करूँगा और वो ग्राफिकल मेथड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आप कैसे भी शो कर दीजिए। जैसे ये तो मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, तो ये लाइन यहाँ पर क्या शो कर रही है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये लाइंस कहीं पर आपको डेंस दिखेंगी, कहीं पर आपको ये थोड़ा सा दूर दूर दिखाई देंगी, उसके एक अलग मीनिंग है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट इस जो वीडियो का पर्पज़ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आप डिफरेंस को समझिए। एक और चीज़ जो आपको बताना यहाँ पर चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कई बार कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन में आप पढ़ते हो द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं समझने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर फायर है, कहीं पर आग जल रही है, तो उसके आसपास आपको हीट आप फील कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे दूर जाओगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बर्नर है और ये फ्लेम्स इस तरह से हैं, यहाँ पर फायर है, आग जल रही है, तो इसके आसपास हम क्या कर सकते हैं, हीट हमको हम फील कर सकते हैं। थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो वो हीट हम जो है वो उतना फील नहीं कर पाएंगे, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दूर जाओगे, मान लीजिए आप 500 मीटर दूर चले गए, तो वहाँ पर आपको कोई भी इसका इफेक्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से, बिल्कुल वैसे ही, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल और पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज है, तो इसके आसपास के रीजन में, इसके आसपास का जो स्पेस है, वहाँ पर हम इसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। अब फील कैसे करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम चार्ज पार्टिकल के, मान लीजिए मैं नज़दीक खड़ा हो जाऊंगा और मेरे को कोई शॉक फील होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे फील करोगे, फील करने के लिए आप किसी भी टेस्ट चार्ज को यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल होगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज, बिल्कुल मिनिमम चार्ज आपने लेना है। वो मान लीजिए आप यहाँ पर प्लेस करके देख लो, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है ये होता है क्यू इंटू ई, अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है देन इट मीन्स कि वो फील्ड के अंदर है, अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा इट मीन्स वो फील्ड के बाहर है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करोगे, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, इसके आसपास आपने फील्ड को दिखाना है, तो आप फील्ड लाइंस की हेल्प ले सकते हैं। तो फील्ड लाइंस की हेल्प से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं, ये तरीका होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं, लेटरल प्रेशर क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो हम किसी अदर वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस का जो कन्फ्यूजन है वो आपका ज़रूर दूर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।